हाउ आर यू, कैसे हो सारे बच्चे? अच्छे हो, वेरी गुड। देखो बच्चों, अपन लोग प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी अपन लोग रिफ्लेक्शन, उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का एक फिनोमिना पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अपन ने पढ़ा, उसके बाद में मिरर के बारे में देखा। ठीक है, तो जब मिरर के बारे में अपन लोग देख रहे थे, तो आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, आज का जो अपना टॉपिक है बहुत खास टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये चीज आप लोगों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप लोग रिफ्लेक्शन के, मिरर के जो क्वेश्चन आएंगे, मिरर इक्वेशन आती है, ठीक है, इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, इस टॉपिक को मैं आप लोगों को दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो रख लेना, बाकी मेरा वापिस दे देना मेरे को। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है आज। ठीक है, इंटरेस्टेड भी है, मजेदार भी है। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज का कौन सा टॉपिक होने वाला है, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो कार्टिजन साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन देखेंगे अपन। अब आगे आगे जब वीडियो आगे आगे चलेगा तो आप लोगों को पता लगता रहेगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या है, क्यों ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ इस टॉपिक का नाम। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन कन्वेंशन और ये चीज है जो कहाँ काम में आएगी अपने, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फिर अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये मिरर है मेरे पास। ठीक है, ये मिरर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ साइन कन्वेंशन कैसे क्या करना है। ये मिरर है और ये बच्चों प्रिंसिपल अक्सिस होती है, आप लोगों को पता है प्रिंसिपल अक्सिस। ठीक है, ये बच्चों पोल होता है, जिसको पी से भी लिखते हैं और ओ से भी लिखते हैं, जिसको किसे लिखते हैं, ओ से भी लिखते हैं और पी से भी लिखते हैं, ये पोल होता है। ठीक है, अब इसका फोकल पॉइंट मैंने मान लिया यहां पर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को जब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी मिरर की, तो मैंने बताया था कि जो फोकल पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है, वो क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जिसको कैपिटल आर से अपन लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, मैंने क्या माना कि एक ऑब्जेक्ट बच्चों यहां पर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, इसको मैं यू से लिखता हूं, जहां पर जो बच्चों यू होता है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की ये जो यहां पर जो ये पोल है इससे डिस्टेंस है। ठीक है, मान लो इसका जो इमेज है वो यहां बनती है, ये है बच्चों ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है इमेज। ठीक है, तो इमेज की जो यहां से ये डिस्टेंस होती है पोल से, ये होती है बच्चों इमेज डिस्टेंस, जिसको वी से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो v है वो क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें हैं, इनका अपन को देखना है कि साइन होता है यानी इमेज डिस्टेंस है वो कब माइनस की लेंगे, कब प्लस की लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कब माइनस की लेंगे, कब प्लस की लेंगे, और ये जो अपना फोकल लेंथ है ये कब प्लस की लेंगे, कब माइनस की लेंगे। ठीक है, और ये जो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये माइनस प्लस की कब लेनी है, क्या करना है, वो सारी चीज आप अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि जब अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन लोगों को प्लस माइनस साइन अपन को रखना होगा कि प्लस का रखें या माइनस का रखें। ठीक है, तो उसके लिए दो चीजें आप लोगों को आना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी जो चीज जरूरी है बच्चों, वो ये जरूरी है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को इमेज जो फॉर्मेशन होता है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन का नॉलेज होगा थोड़ा, तो साइन कन्वेंशन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है और आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सही होने वाला है, गारंटी की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोगों को पता लग गई होगी। यू तो है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है इमेज डिस्टेंस, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, ये कहानी है। अब इनके अपन साइन देखेंगे, तो इनके साइन देखने के लिए अपन यूज करते हैं कार्टिजन साइन कन्वेंशन। अब वो क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, चलो देखो,
ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो यहां मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर बच्चों एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसकी इमेज मान लो यहां पर बन रही है, यहां पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ओके बच्चों, ये इमेज फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें आप लोगों को सबसे पहली जो चीज याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो अपन डिस्टेंस मापेंगे, जो भी डिस्टेंस अपन मापेंगे, जैसे U की V और ये सारी चीजें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, इमेज डिस्टेंस कितनी है, V, U, इन सारों का जो वैल्यूज अपन मापेंगे, वो वैल्यूज हमेशा जो मिरर है उसके पोल से मापते हैं। कहां से मापते हैं? पोल से। बस ये एक चीज, दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत इजी सा तरीका है, कुछ भी याद नहीं रखना, बस एक चीज ये याद रखनी है कि जो पोल है वहां से अपन डिस्टेंस मापेंगे, ठीक है, पोल से अपन डिस्टेंस मापेंगे, इधर की ओर ऐसे, इधर की डिस्टेंस उधर की ओर इधर है तो इधर की ओर ऐसे, ऐसे इधर से चले, इधर से ऐसे चलेंगे ऐसे मापते हुए इधर, और इसमें क्या होगा, इधर की होगी कोई डिस्टेंस तो इधर से मापते हुए चलेंगे ऐसे, तो मतलब अपन को पोल से स्टार्ट करना है, ठीक है, सीधी सी बात ये है। तो जो भी डिस्टेंसेज होंगी वो सारी पोल से मापी जाती है, ओके बच्चों। फिर पहली चीज ये, अब देखो उसके अंदर क्या करना है आपको, उसके अंदर एक चीज ये करनी है कि जो रे आ रही, जैसे मान लो यहां ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से रे ऐसे आएगी, तो जिधर से रे इंसिडेंट होगी, रे की डायरेक्शन इंसिडेंस की ये है, यानी इधर ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो अगर अपन इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मापेंगे तो वो तो प्लस लेंगे, ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो रे जो डिस्टेंस मापेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इधर की डिस्टेंस मान लो ऐसे मापेंगे, ऐसे जो डिस्टेंस मापेंगे वो सारी क्या आएगी बच्चों, प्लस आएगी, वो क्या आएगी, प्लस आएगी, ठीक है। तो इधर की डिस्टेंस क्या आएगी, प्लस, क्योंकि रे इधर से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेज होगी वो सारी की सारी बच्चों क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, वो सारी की सारी क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे, ओके पॉजिटिव, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मापेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मापेंगे वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मापेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, दो चीज याद रहेगी, ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव, ठीक है, ये दो चीज। फिर ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारी चीजें अपन यहां से देख लेंगे, अभी बताऊंगा कॉन्वेक्स में कॉनकेव दोनों मिरर के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं ऊपर की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो डिस्टेंस होगी, ऊपर की जो हाइट होगी, डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की जो डिस्टेंस होगी वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, साइन कन्वेंशन आपका खत्म हो गया, ठीक है। पहली चीज क्या बताई कि जितनी भी डिस्टेंस होगी वो अपन पोल से मापनी स्टार्ट करेंगे, पोल से स्टार्ट करेंगे मापना, ठीक है। फिर क्या बताया कि जिधर से रे इंसिडेंट हो रही है उसके अगर अपोजिट डिस्टेंस मापते हैं अपन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मापेंगे, रे इधर इंसिडेंट हो रही है अपन डिस्टेंस इधर माप रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या आएगी, नेगेटिव लेंगे वो डिस्टेंस, मतलब माइनस साइन उसके लगा देंगे। जैसे 10 आ रही है तो अपन क्या लिख देंगे, माइनस 10, फॉर्मूले के अंदर काम में लेंगे, आगे सवाल करेंगे उनमें, ठीक है। और अगर उसके डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस आ रही है, इसके डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस आ रही है इंसिडेंट रे की, तो वो क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे, ओके। फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव, और जो नीचे की डिस्टेंस होगी वो क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव लेंगे, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इससे मैं आप लोगों को करके बता देता हूं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए, दोनों के लिए जो जो डिस्टेंस होगी वो क्या पॉजिटिव होगी, क्या नेगेटिव होगी, ओके। तो देखो मैं बताता हूं, अपन बात करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर की, ठीक है। इसमें मैंने बताया इधर की डिस्टेंस क्या होगी बच्चा पार्टी, पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव, इधर की पॉजिटिव, ठीक है, ये है। अब अपन बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, ध्यान से सुनना, कॉनकेव मिरर के लिए अपन यू वी आर एफ ये देखेंगे, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसमें इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं अपन, मिरर की इस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है,
ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, ये होती है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अब इसका अपन को मापना है, ये बतानी है कि ये यू की वैल्यू माइनस आएगी कि प्लस आएगी, यू का साइन बताना है। तो कोन के मिरर के लिए यू का साइन बताना है, वी का साइन बताना है, आर का साइन बताना है और एफ का साइन बताना है, ठीक है। तो चलो बताओ, यू ये है, इधर की डिस्टेंस है, अपन को मापना कहां से, यहां से, यहां से मापते हुए इधर चल रहे हैं अपन, ऐसे ऐसे चलेंगे मापते हुए इधर ऐसे, ठीक है। और इंसिडेंट रे कैसे आ जाएगी, ऐसे जाएगी, इसमें अपन ने इमेज बनाई थी इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ऐसे जाके टकराई थी इस मिरर में, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इधर जा रही है, अपन डिस्टेंस इधर माप रहे हैं, तो बोलो अपोजिट डायरेक्शन में माप रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, नेगेटिव। तो यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव यू, यानी यू क्या आएगा, माइनस यू, ठीक है। अब बात करते हैं वी की, मान लो इसकी इमेज यहां बन रही, इसमें इमेज भी इधर ही बनती है, इमेज ये बन रही है, तो इमेज की ये डिस्टेंस है वी। अब बोलो वी का मान प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बोलो ये इधर इधर से चलेंगे अपन, तो इधर से चलेंगे इधर की ओर, इंसिडेंट रे इधर आ रही है, अपन इधर जा रहे हैं, तो बोलो क्या लेंगे, नेगेटिव, क्या लेंगे, नेगेटिव वी माइनस वी, ओके। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका इधर ही होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर है ना। अब आर की वैल्यू बोलो आप लोग बताओ, माइनस आएगी कि प्लस, आर इधर से मापना स्टार्ट करेंगे अपन, यहां से लेके यहां तक चल के आएंगे ऐसे, इधर की ओर टिक 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 ऐसे चल के आ रहे हैं, और इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। तो ये इधर गई, अपन इधर आए, दोनों ये रे इधर जा रही है, अपन इधर आ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो बोलो नेगेटिव आएगी आर भी, तो आर भी क्या आएगा बच्चों, माइनस। अब बात करें फोकल पॉइंट की, फोकल पॉइंट मान लो यहां पर है फोकल पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हो गई, अब ये भी इधर से माप रहे हैं, अपन इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर आ रही है, तो ये भी क्या आएगी बच्चों, माइनस, ठीक है। ये है, अब अपन बात करते हैं जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई है उसकी बात, यानी वस्तु कितनी ऊंचाई की है और प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई की है उसकी बात करेंगे। मान लो ये वस्तु रखी हुई है यहां पर, ये इसकी ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई है बच्चों, ये h है, और इसकी इमेज यहां बन रही है ये, ठीक है, इसकी इमेज ये बन रही है, ये h डेस मान ली, ये h है, h क्या है बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डेस क्या है, बिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी ये ऑब्जेक्ट हाइट है और ये क्या है, इमेज हाइट, हाइट ऑफ इमेज या ये ऑब्जेक्ट हाइट। तो h का मान बोलो और h डेस का मान बोलो, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। h का मान देखो ऊपर की ओर है, मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का h। अब बात करो इस h डेस की, तो h डेस देखो नीचे की डिस्टेंस है, नीचे की क्या आती है, माइनस h डेस, यानी ये क्या आ जाएगी, माइनस। तो यहां से देखने पे कॉनकेव मिरर की अगर अपन बात करें, तो कॉनकेव मिरर के अंदर एक को छोड़ दो जो ऑब्जेक्ट हाइट है उसको छोड़ दो, बाकी सारी की सारी जो डिस्टेंसेज है, सारी की सारी जो वैल्यूज है बच्चों, वो माइनस में लेते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सारी की सारी क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। बस एक एक चीज में दिक्कत आएगी कि जब आप लोगों को ध्यान हो, तो मैंने जब ये मान लो फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा था, तो उसकी इमेज कैसे बनी थी, इधर की ओर बनी थी, यहां ऐसे बनी थी, ठीक है। तो ये वाली जब कंडीशन आ जाएगी ना, तब अभी भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इमेज इधर बनी थी, मान लो यहां बनी थी ऐसे, ऐसे बनाई थी अपने, तो इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे भी इधर ही जा रही है, तो इसलिए ये क्या बन जाता है बच्चों, प्लस बन जाता है बस, ठीक है। और सारी सारी नेगेटिव आएगी, और ज्यादा न्यूमेरिकल अपन करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से आप लोग डील करोगे इसके साथ में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कॉनवेक्स की ओर बता देता हूं, कॉनवेक्स का इधर लिख देता हूं, कॉनवेक्स की इधर बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। कॉनवेक्स के लिए यू वी आर एफ एच और एच डेस, ठीक है, इनकी बात करते हैं अपन कॉनवेक्स के लिए। कॉनवेक्स मिरर बनाता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। ये है बच्चों अपना जाना पहचाना सा कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। इसके अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसकी फोकल पॉइंट इधर होता है, इसका सेंटर इधर होता है, इसमें ऑब्जेक्ट अपन इधर की ओर रखते हैं ऐसे, तो ये डिस्टेंस u होती है, ये डिस्टेंस f होती है, ये डिस्टेंस बच्चों r होती है, और इसके अंदर एक तो इमेज यहां बनती है या फिर इमेज यहां बनती है ऐसे, ये v होती है, ठीक है। अब देखो u बताओ मेरे को, इसमें इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, इंसिडेंट रे ऐसे जाती है, इमेज बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन ऐसे जाती है, इंसिडेंट रे इधर गई। अपन u की बात करते हैं, u अपन पोल से मापना स्टार्ट करते हैं, यहां से अपन इधर आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, मापते हुए ऐसे जा रहे हैं,
और इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो बोलो यू का मान प्लस आएगा कि माइनस, माइनस क्या आएगा, माइनस, तो यू क्या हो जाएगा, माइनस यू। अब बात करो वी की, वी ये रहा ठीक है, इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर ऐसे जा रही है, इंसिडेंट की डायरेक्शन ये है इंसिडेंट रे की ठीक है। अब डिस्टेंस बोलो पोल से माप रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, टिक 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 टिक, यहां पहुंच गए, इंसिडेंट रे इधर इधर आ गई ठीक है, तो इंसिडेंट रे इधर आई और अपन इधर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपन भी इधर ही जा रहे हैं, इंसिडेंट रे भी इधर ही जा रही है, अपन भी इधर ही जा रहे हैं, तो बोलो वी क्या आएगा, प्लस का वी ठीक है। बात करो आर की, आर देखो ये इधर है, आर इधर ही होगा, इसमें इधर ही होते हैं फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आर भी इधर ही मापनी है, इंसिडेंट रे भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन में है, तो बच्चों आर क्या आ जाएगा इसके अंदर, प्लस आर। बात करते हैं एफ की, एफ देखो इसमें इधर ही है, इधर ही एफ भी और इंसिडेंट रे भी इधर ही है, तो ये भी क्या आएगा बच्चों, प्लस एफ ठीक है। अब बात करते हैं एच की, एच देखो ये ऊपर की ओर है, ये होता है एच और ये होता है एच डेस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाइट, एच ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर की ओर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये बोलो एच डेस, एच डेस देखो ऊपर ऊपर ही है, एच डेस भी इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, इरेक्ट इमेज बनती है, अपराइट इमेज बनती है इसके अंदर, तो एच डेस, तो एच डेस भी क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस एच डेस। अब देखो इसके अंदर एक माइनस आ रहा है, दोनों के अंदर फर्क देखो, इसके अंदर तो ये एच ये माइनस आ रहा था और इसके अंदर ये माइनस आ रहा है ठीक है, तो आप लोग ऐसे ध्यान में भी रख सकते, इसको याद भी रखने की बजाय इसको ध्यान में भी रख सकते हो कि कॉनकेव मिरर के अंदर एच डेस प्लस होता है बाकी सारा माइनस होता है, और इसके अंदर ये माइनस होता है बाकी सारे की सारी वैल्यूज क्या होती है, प्लस होती है, ध्यान में रह जाएगा। ये तो पहला मेथड था, अब सिंपली आप लोगों को एक दूसरा मेथड और बता देता हूं, फटाफट बता देता हूं, वो भी हो जाएगा दो मिनट में, देखो धीरज रखो, जो अच्छा लगे वो आप लोग रख सकते हो। ये है कॉनकेव मिरर, पहले कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, ये मेथड बच्चों ये है, ये जो पोल है ना, ये जो पोल है इसको अपन ओरिजिन मान लेते हैं, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो इधर तो क्या होता है बच्चों, जैसे आप लोग ऐसे नहीं बनाते क्या, ऐसे बनाते हो ना, ये इधर प्लस एक्स चलते हो ग्राफ बनाते हो, इधर माइनस एक्स, ये प्लस वाई, इधर माइनस वाई, यानी इधर तो प्लस की वैल्यू, इधर माइनस की वैल्यू, इधर ऊपर प्लस की नीचे माइनस की, ऐसे तो होता है। तो ये देखो इसके इधर की जो डिस्टेंस होगी ना बच्चों, वो तो प्लस लेंगी पोल के लेफ्ट साइड की इधर की ठीक है, और इधर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या लेंगे बच्चों, माइनस लेंगी लेफ्ट साइड की, ये सॉरी हाँ ये लेफ्ट साइड वाली, ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव इधर की डिस्टेंस ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन ये आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट को, ये जो बता रहा हूं ना, ये जो मेथड है इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ होगा तो ये मान्य है, अब जो मेथड बता रहा हूं, और मैंने जो मेथड बताया उसमें ऑब्जेक्ट को किधर ही रख दो, ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट किधर ही रख दो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, यूनिवर्सल मेथड है वो ठीक है। ठीक है, जो आप लोगों को इतना जल्दी कोई बताएगा भी नहीं, आप लोगों को सब यही बताएंगे, अपनी बुक्स में भी यही रहता है ठीक है, लेकिन वो फेल हो जाता है जब अपन ऑब्जेक्ट को इधर उधर रख देते हैं तो ठीक है, और ये फेल हो जाता है जब इधर उधर रख देते हो, और वो जो मैंने मेथड बताया वो कहीं पर भी फेल नहीं होता है, कहीं पर भी फेल नहीं होगा, कैसे भी ऑब्जेक्ट को रख लो, और इसमें गड़बड़ हो जाएगी ठीक है, तो इसलिए वो बताया मैंने, हो सके तो उसको ध्यान में रखना, इसको कोशिश कम करना ठीक है। इधर की इधर माइनस क्या आती है, इधर की वैल्यू माइनस, इधर की वैल्यू प्लस, अब ऊपर की ओर प्लस वाई होता है तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यही मैंने बताया, और नीचे की माइनस वाई होता तो नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ठीक है। अब देख लो, अब देख लो ये करके, इसमें भी इसमें मैंने बताया लेफ्ट साइड में रखना, हमेशा लेफ्ट साइड में रख दो, यहां रख दिया ठीक है। अब देखो इधर की वैल्यू माइनस, इधर ये जो कॉनकेव मिरर है इसके अंदर आर भी इधर ही होता है, एफ भी इधर ही होता है, यू भी इधर ही होता है, वी भी इधर ही होता है, तो सारी की सारी क्या आएगी, माइनस, ये देखो आ रही है माइनस आ रही है, फिर एच ऊपर की ओर होता है, एच प्लस का आएगा, ऊपर प्लस की वैल्यू होती है, प्लस आ रहा है इसके अंदर, देखो ये आ गया, एच डेस नीचे की ओर बनता है, इसके उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना उल्टा, इसके अंदर नीचे की ओर, तो इसलिए एच नीचे की ओर आएगा, तो एच क्या आ गई, माइनस आ गई। अब यही बात उस मिरर के अंदर कर लो, यही बात उस मिरर के अंदर कर लो, वाला जो मिरर है उसके अंदर कर लो, ये लो इस मिरर की बात कर लो। अब इसमें जो इधर की डिस्टेंस है मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें ये लो तभी काम करेगा जब इस साइड में लेफ्ट साइड में अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड में ही रखना पड़ेगा। अब इसमें लेफ्ट साइड में रखोगे तो इधर की माइनस आनी है, इधर एक खाली यू होता है, इधर यू ही होता है, तो यू माइनस का आ रहा है, बाकी सारी चीजें इधर होती है, इमेज भी इधर ही बनती है, सेंटर भी कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी धरी होता है, फोकल पॉइंट भी धरी होता है, तो ये सारे के सारे क्या जाते हैं, प्लस आ रहे हैं, देखो इधर का, क्योंकि इधर का प्लस आना चाहिए, देखो
ठीक है। अब बात करो एच की, एच तो इसमें इधर होता है ऊपर, तो एच प्लस का आ गया, एच बेस भी ऐसी इमेज बनती है, तो ये भी क्या आ गया, ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो ये है बच्चों साइन कन्वेंशन, जिसके अंदर आप लोग ये ध्यान में रखना, ये जो टेबल मैंने बनाई है ये, ठीक है, ये टेबल ध्यान में रखना आप लोग कि कैसे कैसे वैल्यूज क्या क्या आती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर एक वैल्यू प्लस की होती है, बाकी सारी नेगेटिव लेंगे, एक एक एक्सेप्शन है इसका, अपवाद है जो लास्ट वाली इमेज है वो, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर एच डेस में भी चेंज होगा और वी में भी चेंज होगा, दोनों प्लस हो जाएगी। ठीक है, और ये इसमें एक माइनस होती है, बाकी सारी वैल्यू प्लस होती है। तो यहां से ये चीज समझ में आई कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना, वो दोनों के लिए नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये है बच्चों अपना साइन कन्वेंशन। आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे वो आप लोग रख सकते हो, फ्री हो, और मेथड भी नहीं रखना चाहो तो ये टेबल में ऐसे थोड़ा दिमाग में आप लोग रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा अपना नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।